उत्तराखंड को सदियों के साथ आगामी गर्मियों में भी बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश को आवंटित अतिरिक्त बिजली के कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समय अवधि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने विगत 26 सितंबर को राज्य को अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली 31 मार्च 2025 तक आवंटित की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मामले में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह समेत 6 आरोपियों को बरी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर बोलते हुए राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कोर्ट पर भरोसा जताते हुए हम इस फैसले से आहत जरूर हुए हैं, लेकिन हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। जिन लोगों को छोड़ा गया है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देंगे। अब वे लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में रहेंगे। ये बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित एक बंगले में रहने चले गए थे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी के लापता होने का पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर जमकर बोला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद हैं। लापता जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। गाजियाबाद के लोडिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महंत नरसिंहानंद पर दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। फिलहाल अभी तक नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाअघाड़ी गठबंधन में हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग की तस्वीरें साफ नहीं हो सकी हैं। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि विजयादशमी से पहले 150 सीटों पर सीट शेयरिंग की बात बन सकती है। वहीं इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी दशहरा से पहले हो जाने की उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उनके साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। प्रहलाद जोशी और सीआर पाटिल से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी है। जेपी नड्डा से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं मुलाकात के दौरान सीएम शर्मा ने जेपी नड्डा को दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों की जानकारी दी है। बस मार्शलों की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता चंदगीराम अखाड़े में धरना प्रदर्शन कर रहे बस मार्शलों का समर्थन करने पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर बोलते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा ने आज वादा खिलाफी की है। भाजपा ने आज वचन दिया था कि वे बस मार्शलों की बहाली के लिए आज उपराज्यपाल के यहाँ जाएंगे, लेकिन वे लोग नहीं गए। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि ये चुनाव केवल विधायक बनाने का नहीं बल्कि सिरसा जिले के लोगों के लिए मुख्यमंत्री बनाने का है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 10 साल तक हरियाणा पूरी तरह लूटा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को ये सम्मान दिया गया है, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को ये सम्मान दिया जाना चाहिए।